प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपने बेल आइकॉन को भी ऑन नहीं किया उसको भी ऑन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और नंबर दो, आप अगर रूहानी इलाज इस्तखारा या कोई ऐसा मसला है, कारोबार बंदिश कारोबार का कोई मसला है तो अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। सिर्फ एक दफा अपनी इस बहन से अपनी बात कहें, अगर कोई भाई है बहन है तो जरूर रابطہ करें, इंशाल्लाह जहां तक हो सका इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद की जाएगी। आपकी बहन आपको नाउम्मीद नहीं करेगी। मुझे खुद भी आपके लिए पढ़ाई करनी पड़ी या मुझे खुद भी आपके लिए अमल करना पड़ा तो इंशाल्लाह आपकी बहन आपके प्यारों से आप जिस मकसद के लिए भी अमल करवाना चाहते हैं, रिश्ते रिश्तों की बंदिश के लिए अमल करवाना चाहते हैं, जरूर आपकी मदद करेगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह ताला कयामत के दिन इनकी पर्दापोशी करेगा। सुबहानअल्लाह, हमने भी 100 गुनाह किए, 100 हमने भी बहुत ज्यादा, हम खुद गुनाहगार हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हमने तो बहुत नमाजें पढ़ी, कुरान पाक पढ़े। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपनी अपनी इबादत जो किए हुए हैं, जैसे नमाज हो गया, कुरान पाक हो गया, जिक्र जिक्र हो गया, मैं वो माफ कर दूंगा। हकूक इबाद जो है, जो हकूक अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं हकूक अल्लाह माफ कर दूंगा लेकिन हकूक इबाद नहीं माफ करूंगा। लोगों के साथ जो आपने किया होगा वो उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बंदे में अपने बंदे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूं तो उनके ऊपर की हुई गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएं तो यकीन माने कि कभी भी आप गुनाह ना करें, कभी भी आप कुछ गलत ना करें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब की अहमियत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें, अगर इरशाद फरमाया है, अगर आप इस चीज को समझते हैं, अपने नबी के प्यारे उम्मती हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। किसी को बुरा ना कहें, किसी को किसी के साथ किसी का दिल जारी ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें। आप यकीन माने कि जो भी आप दुआ मांगते हैं वो भी कबूल होती है, जो आप अमल करते हैं वजीफा करते हैं वो भी कबूल। आज मैं जो तरीका आपको बताने लगी हूँ अमल और वजीफे का, सिर्फ 3 मरतबा आपने पढ़ना है। और अगर आपके पास तस्वीर है तस्वीर पे दम करें, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो तस्वीर मिलाकर उसको दम करें। जिस प्यारे के लिए आप वजीफा करें एक दफा ये वजीफा जरूर कीजिएगा, अपने प्यारों को मिलाने के लिए। अपनी जो है आजकल देखिए, हर कोई सोचता है हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, अपने प्यारों से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब उनके लिए कोई अमल कोई पढ़ाई या कोई दुआ करे। अल्लाह पाक नियतें देखते हैं ना, अल्लाह पाक दिलों के हाल देखता है कि कोई किसी के लिए कितना प्यार रखता है, कितनी तड़प रखता है, कितनी जो है इसके लिए आग जलन रखता है। तो जितनी आपकी मोहब्बत, जितना आपका पढ़ाई में जो है तसव्वुर आपका मजबूत होगा, पढ़ाई में आपकी ताकत होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है आपका अमल भी कामयाब होगा। अमल का तरीका सबसे पहले सुन लें, कच्चा अदरक लहसुन प्याज आपने परहेज लाजिम करना है, ये चीजें नहीं आपने खानी। नंबर दो, पाक साफ कपड़े बावजू नफले दो हाजत पहले पढ़ें। अगर आप अमल को वाकई कामयाब करना चाहते हैं नफले दो हाजत पढ़ें, अगर आप नहीं नफल हाजत पढ़ते तो सिर्फ अमल करें, ठीक है। सूरह कौसर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने नाम लेना है, अपना नाम अपनी वालदा का नाम, उसके बाद आला खूब सूरह कौसर पढ़ के, उसके बाद अपना नाम अपनी वालदा का नाम आला खूब, जिसके लिए आप अमल करें उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। कितना भी कोई दूर हो, कितना भी कोई नाराज हो, कोई कितना भी रूठ चुका हो, आप तसव्वुर में लाके दम करें। यकीन माने हर कोई आपसे मोहब्बत चाहत करेगा, जिसके लिए अमल करेंगे वो आपका वैसे ही दीवाना हो जाएगा, आपसे वैसे ही बहुत प्यार करेगा। शोहर का मसला हो, बीवी का मसला हो, मियां बीवी का मसला हो, अपने प्यारों को पाने का मसला हो, सास ससुराल का मसला हो, अगर आपके घर रिश्तों की बंदिश है, रिश्ते नहीं आते, उसका मसला हो, तो ये अमल जरूर करें। एक दिन का एक ही दफा का अमल, वक्त ईशा की नमाज के बाद का, कपड़े पाक साफ और बावजूद, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको नौमी देनी होगी।
इसी के साथ इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई मसला, कोई परेशानी ज्यादा पड़ी है, अपनी इस बहन को याद करें। मैं पूरी कोशिश करूं कि आपका साथ भी दूं, आपके लिए अमल भी करूं, जो आपके हिसाब और इस्तखारे में या आपके जो अमल आता है, ये जो अमल आपके लिए बेहतर है, आपके नाम से, आपकी वालदा के नाम से पता लगता है, वो अमल करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब, एक दिन के अंदर अंदर कामयाब होंगे। तो ये जरूर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा।